मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और एक निर्जीव शरीर में आत्मा का वास सिर्फ कुछ समय के लिए ही होता है, जो जीवन चक्र के चलते एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। लेकिन मित्रों, यहाँ ये प्रश्न उठता है कि एक शरीर को त्यागने और नए शरीर को धारण करने के बीच वो आत्मा कहाँ रहती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर ज़्यादातर मनुष्य को नहीं पता है, और अगर आपको भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े गरुड़पुराण में मनुष्य के जीवन मरण से जुड़ी लगभग सभी रहस्यों को उजागर किया गया है, और इन्हीं में से एक आत्मा की शरीर त्यागने की बाद की यात्रा का वर्णन भी मिलता है, जिसमें हमारे प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जैसे ही एक आत्मा अपना शरीर त्यागती है, उसे परमलोक ले जाने के लिए यमदूत वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा तो बड़ी ही आसानी से उनके साथ चल देती है, लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूत द्वारा जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाया जाता है, जिसके बाद उस आत्मा के साथ वो यमराज के सामने हाजिर होते हैं, जहां उसे अपने जीवन काल में किए सभी अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब देना पड़ता है, और 24 घंटे तक ये आत्मा वही यमलोक में रहती है, और इसके बाद यमदूत उस आत्मा को फिर से उस स्थान पर लाकर छोड़ देते हैं जहां उसने शरीर को त्यागा था, जिसके बाद यहां वो आत्मा 13 दिनों तक रहती है, और 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी विधियाँ समाप्त होने पर यमदूत उसे पुनः लेने आते हैं और उसे अपने साथ यमलोक की यात्रा के लिए ले जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ से शुरू होती है आत्मा की असली परीक्षा, जहाँ यमलोक के मार्ग पर बुरी आत्माओं की यम की भयानक नगरी यानी कि नरक के दर्शन कराए जाते हैं, और इस मार्ग में आत्मा को कई प्रकार की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में बैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है, जो कि विष्ठा और रक्त से भरी हुई है, और मित्रों, जिसने गाय का दान किया होता है वो इस बैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में इस पुण्य से वंचित रह जाता है वो इस नदी में डूबता रहता है, और यमदूत उसे बार बार निकाल कर उसे उसमें धक्का देते रहते हैं। 17 दिनों की अपनी इस यात्रा के बाद 18वें दिन आत्मा अपने यमपुरी पहुँचती है। यमपुरी पहुँचने के बाद आत्मा पुष्पोदान नाम की एक नदी के पास पहुंच जाती है, और जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें एक कमल के फूल खिले होते हैं। इस नदी के किनारे छायादार एक बड़ा सा वृक्ष होता है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं इसी पेड़ के नीचे उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और भोजन प्राप्त होता है, जिससे उसमें शक्ति का संचार हो जाता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने के बाद वो अत्यंत भयंकर वैसे ही उपस्थित यमराज को देखते हैं, जिनके चारों ओर भयानक पशु और यमदूत उपस्थित होते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज हमसे सदा शुभ कार्य करने की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा उस जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसे ही आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। हालांकि हर आत्मा को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमारा मतलब अच्छे कर्म करने वाली उन आत्माओं से है जिन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। ऐसी आत्माओं के लिए एक विमान आता है, जिसमें बैठकर ये आत्मा विष्णु लोक यानी कि वैकुंठ धाम चली जाती हैं। माना जाता है कि जिन्हें विष्णु के इस लोक में रहने की अनुमति मिल जाती है, उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही नहीं, यजुर्वेद में भी वर्णित है कि तप ध्यान करने वाले लोग ब्रह्मलोक जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं, वहीं राक्षसी कर्म करने वाले प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं, और कुछ पुनः इस धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म लें, और जन्म लेने से पहले ये सभी पितृलोक में रहते हैं, जहाँ उनका न्याय होता है, अर्थात कर्मों के आधार पर ही नरक, स्वर्ग या फिर दूसरी योनि मिलती है, और साथ ही यही वो स्थान है जहां उस आत्मा का दूसरे शरीर धारण करने का समय जारी किया जाता है।
प्रकृति उन्हें अपने भाव विचार और जागरण की अवस्था के आधार पर ही दूसरा गर्भ धारण करवाती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसकी जैसी योग्यता वैसा ही उसका कर्म, या फिर जिसकी जैसी गति वैसी ही सुगति या फिर दुर्गति। अर्थात आपकी गति का संबंध सीधा आपकी मति से होता है, अर्थात आप जितना मति का इस्तेमाल करेंगे वो आपको उतने ही सुगति के रास्ते पर ले जाएगी, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार आपका दूसरा जन्म तब तक नहीं होता है जब तक कि आप पूर्णतः बेहोश में या स्मृतिहीन ना हो जाओ, क्योंकि स्मृतिवान व्यक्ति भूत प्रेत या फिर पुत्र योनि में रह जाता है और जो जागृति होता है वे कुछ काल तक जन्म की तलाश में इंतजार करते रहते हैं और जो जागृत होता है वो कुछ काल तक जन्म की तलाश में इंतजार करते रहते हैं और फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरा गर्भ धारण करते हैं। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और फिर होगी आपसे मुलाकात अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।